माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? तो आई होप अच्छे होंगे और मैं हूँ अनीता। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं कुछ दिखाने वाली नहीं हूँ, बस मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं सुबह से सारा काम कर ली हूँ, बहुत सारा मतलब काम था, वो मैं जल्दी जल्दी निपटा के सारा मैंने काम कर ली हूँ। क्योंकि मुझे आज लग रहा था कि मैं यूट्यूब में जितना हो सके तो शॉर्ट वीडियो मैं डालूंगी, बट मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। तो गाइस, फिर भी मैंने कुछ कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ और आप लोग मेरे चैनल पे जाके लाइक ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं जब इतना टाइम देती हूँ ब्लॉग बनाने में और यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाने में, तो मेरे हस्बैंड मेरे पे गुस्साते हैं कि तुम बेवजह परेशान रहती हो, तुम यूट्यूब छोड़ दो, क्यों परेशान होते रहती है। तो गाइस, आप लोग भी मैसेज करते हैं कि भाभी क्यों ये आप लोग यूट्यूब बनाते हैं, आप लोग को क्या फ़ायदा मिलता है? तो फ़ायदा तो कुछ नहीं मिलता है दोस्त, बस इतना फ़ायदा मिलता है कि आप लोग मेरे फैमिली बनते हो, मेरे यूट्यूबर फैमिली बनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को एप्रिसिएशन मिलता है, जिससे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। इससे ये लगता है कि मेरे इतने सारे फ्रेंड, मेरे इतने सारे फैमिली जुड़ चुके हैं और मैं सारा काम छोड़ देती हूँ और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मुझसे कहीं गलती होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भाभी आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा, ऐसे मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरा सारा घर का काम अभी बाकी है, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाई हूँ और बस यूट्यूब बना रही हूँ, परेशान हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। और आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि देखिए मेरे घर का हालत क्या है, आप लोग पीछे से देख ही रहे हैं क्या हालत है, मैं सिर्फ बनाने में परेशान हूँ। मेरी सास भी यहीं पे है तो वो बार बार मुझसे कह रही है कि सारा काम रखा हुआ है तो आप काम कर लीजिए। तो गाइस, सोच सकते हैं कि हम लोग कितने परेशान रहते हैं और आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्त एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं आगे मैं दिखाती हूँ कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अभी दूध लाने गए हैं, समय 4 बज गया है इसीलिए उनका टाइम हो गया है, तो वो दूध लाने चले गए हैं। और मैं अपने बेटे को मैं दिखाती हूँ कि देखिए वो क्या कर रहा है। सारा दिन मैंने उसको मोबाइल नहीं दी हूँ और अभी तक भी नहीं दी हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी आप मोबाइल दीजिए, तो मैंने सोची कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ तब मैं उसको मोबाइल दूँगी, और वो अभी फ़िलहाल पापा के मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा सारा काम रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बर्तन वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है और खाना भी मेरा झाँप के रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने ढक कर रखी हूँ, खाई नहीं हूँ, खाना नहीं खाई हूँ और ऐसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। सारा मेरा घर का हालत अच्छा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना बेकार हो गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं अभी चलती हूँ, बेटा देखिए कैसे गेम खेल रहा है, आप लोग देखिएगा आंस क्या हो रहा है, देखो गाइस हम लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, देख लीजिए फ्री फायर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा दोनों बेटा फ्री फायर खेल रहा है और मैं इसको मोबाइल अभी नहीं दी हूँ, तो मेरा छोटा बेटा भी गुस्सा है हमसे, गुस्सा है बेटा दिव्याम, गुस्सा है, अब दे देंगे, ठीक मेरा बन गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो ठीक फ्रेंड्स, आप लोग तो देखेंगे कैसा लगा मेरा वीडियो। मेरा वीडियो तो कुछ ऐसा खास मैं बोली नहीं हूँ, तो फिर भी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, एक बार मेरे चैनल को जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए ओके बाय, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और आप सभी का सपोर्ट से मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओके बाय, थैंक्स।